Hello students, good morning, all of you. This is the third lecture of the chapter third safety and first aid. Okay, in last lecture, we will discuss about for nosebleeds, sprains, and other first aids. Today we will discuss about 4 fractures. Firstly, we will discuss about fractures. What is a fractures? A crack. और ए ब्रेक इन स्टोन इज कॉल्ड ए फ्रैक्चर क्या होता है फ्रैक्चर एक क्रैक यानी कि दरार आना या ब्रेक इन टूटना बोन्स में वो क्या कहलाता है फ्रैक्चर कहलाता है कीप द पेशेंट काम एंड कम्फर्टेबल एंड सेंड फॉर द डॉक्टर मरीज है उसको हमें शांत रखना चाहिए और कम्फर्टेबल रखना चाहिए एंड उसके बाद उसे किसके पास डॉक्टर के पास हमें भेज देना चाहिए Then apply a splint to give support to the broken bone and try to avoid. अननेसेसरी मूवमेंट और उसके बाद क्या करना चाहिए हमें एक स्प्लिंट स्प्लिंट क्या होता है एक लकड़ी या धातु की जो चपटी चीज़ें होती हैं जिसको हम जो है सपोर्ट टूटी हुई हड्डी को सपोर्ट देने के लिए यूज़ करते हैं तो उस स्प्लिंट से हमें क्या करता है जो टूटी हुई हड्डी है उसको सपोर्ट देकर उसको अन उसमें जो अननेसेसरी मूवमेंट हो जा होता है जो मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उनको रोकना चाहिए एनी इज़िली अवेलेबल आर्टिकल्स लाइक शीट्स ऑफ न्यूज़ पेपर मैगजीन ए पीस ऑफ कारबोर्ड सॉरी पिलो अराउंड द इंजर्ड बोन कैन ऑल्सो एक्ट एज ए स्प्लिंट कभी कभी क्या होता है कि जो भी आर्टिकल्स वहाँ पर जो भी आर्टिकल हमें मिलता है जैसे न्यूज़पेपर की शीट है मैगज़ीन है किसी कार्डबोर्ड का पेपर है या कोई पिल्लो है तकिया है उसके आसपास घायल व्यक्ति के आसपास वो भी कभी कभी हम एज ए स्प्लिंट जो है सपोर्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं दिस विल प्रिवेंट मूवमेंट एंड हेल्प द ब्रोकन बोन टू हील वो जो क्या है बोन के मूवमेंट को क्या करता है रोकता है और उसके बाद बोन को जो हील करने के अपने आप उसको सेट होने में उसकी मदद करता है थर्ड वन इज ए स्लिंग मेड फ्रॉम ए ट्राएंगुलर पीस ऑफ क्लोथ कैन बी यूज फॉर स्पोर्ट क्या कहने की हम एक स्लिंग जो है वो ट्राइंगुलर पीस यानी कि त्रिभुजाकार की जो पीस है क्लोथ का उसको भी हम सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं सो नेक्स्ट वन इज़ फोर बंट्स कि जो आग जल जाते हैं लोग उनके लिए हम कैसे फर्स्ट एड उनको दे सकते हैं वन कैन सफ़र बंडस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स फायर स्टीम बॉइलिंग वाटर क्रैकर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड केमिकल लाइक एसिड्स कभी कभी क्या है किससे जल सकते हैं लोग जो गर्म ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टच करने से आग से भाप से गर्म पानी से क्रैकर्स मीनस पटाखों से इलेक्ट्रिक पॉइंट बिजली के तारों से या एसिड्स जो केमिकल एसिड्स हैं केमिकल्स हैं जैसे एसिड वगैरह उनसे जल सकते हैं तो फॉर माइनर बर्न माइनर बर्न के लिए हम क्या करेंगे दो माइनर बर्नस आर वेरी पेनफुल दे कैन बी ट्रीटेड एट होम की छोटी जब कम माइनर बर्न्स का मतलब थोड़ा जलता है वो हालांकि काफ़ी पेनफुल होता है बट उसको हम घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं उसका इलाज हम घर पर ही कर सकते हैं लेट रनिंग कोल्ड वाटर फ्लो ओवर ऑन द बर्न अंटिल द पेन सबसाइड्स जहाँ पर जला है वहाँ पर हमें क्या ठंडे पानी से ठंडा पानी उस पर डालते रहना चाहिए कब तक डालते रहना चाहिए जब तक कि दर्द जो है थोड़ा सा कम ना हो जाए सेकेंड वन इज़ अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन ऑन क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन जहाँ पर भी हम आपका जला है वहाँ पर हमें एक एंटीसेप्टिक लोशन जो है वो लगाना चाहिए क्रीम लगानी चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन जो है वो हमारी बॉडी में ना हो यानी कि जहाँ घाव है जहाँ जला है वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो इफ एन एंटीसेप्टिक लोशन इज नॉट अवेलेबल अप्लाई ये पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर अगर आपके घर में एंटीसेप्टिक लोशन नहीं है तो उस पर हम बेकिंग सोडा और वाटर का पेस्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट इज सीवियर बर्न जो ज़्यादा जलता है उसके लिए समटाइम्स द स्किन गेट्स सीवियरली बर्न एंड ब्लिस्टर्ड आर फोम कभी कभी क्या होता है हमारी जो स्किन है जो हमारी त्वचा है वो ज़्यादा जल जाती है एंड ब्लिस्टर्स जिसको हम यानी कि स्किन जो फूल जाती है जिसको हम फल फलै से बोलते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है नेवर ट्राई टू प्रिक ए ब्लिस्टर उनको कभी भी फोड़ना हमें नहीं चाहिए एंड ओपन ब्लिस्टर इज़ एन ओपन वुंड एक खुला हुआ ब्लिस्टर जो क्या है एक खुले हुए घाव की तरह होता है इट कैन कैच इन्फेक्शन उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है then what we should do gently cover the burn with a clean piece of cloth or sterilized gauze to protect it from जम्स एंड dust gently अच्छे से उस घाव को जले हुए को क्या करना चाहिए एक कप साफ कपड़े के पीस से उसको कवर कर देना चाहिए या स्टेलाइज गोज से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि उसमें जम्स और जो धूल मिट्टी है डस्ट है वो एंटर ना कर सके If the victim is in a state of shock, give him a warm drink. अगर जो विक्टिम यानी कि जो जला है जो वो क्या है शॉक में है तो उसको क्या है कि गर्म ड्रिंक यानी कि कुछ गर्म पीने के लिए दीजिए नेवर ट्राई टू तो गिव ए लिक्विड टू तो एन अनकॉन्शियस पर्सन जो बेहोश लोग है जो बेहोश बंदा है उसको कभी भी हमें लिक्विड देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए डिपे स्टेलाइज पीस ऑफ क्लोथ इन ए सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड यूज़ इट एज ए वेट कंप्रेस क्या करना चाहिए हमें जो प्ली पीस है स्टेलाइज पीस क्लोथ का उसको बेकिंग सोडा के सोल्यूशन में डालकर उस वेट कर कर उसको थोड़ा थोड़ा जो जहाँ पर घाव है जला है उस पर हल्का हल्का प्रेस करना चाहिए सीवे वन मस्ट बी ट्रीटेड बाई ए डॉक्टर और जो ज़्यादा जलता है वो डॉक्टर के पास ही ट्रीटेड उसका होना चाहिए नेक्स्ट वन इज केमिकल बर्नस रिमूव एनी क्लोथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल जब अगर केमिकल से बर्न होता है जैसे एसिड वगैरह से अगर कोई जलता है तो जो भी क्लोथिंग है कपड़े वगैरह है उस अफेक्टेड एरिया से हमें वहाँ से हटा देना चाहिए और जितना हो सके जितना ज़्यादा हो सके वहाँ उसको उस केमिकल्स को पानी से धोना चाहिए कवर द बर्न विद स्टिलाइज गर्ज एंड सेंट फॉर दट डॉक्टर जहाँ पर भी जो बर्नस हुआ है उसको स्टलाइस गो से कवर करके हैंड टू हैंड तभी कि तभी इमिडिएटली पेशेंट को डॉक्टर के पास हमें सेंड कर देना चाहिए सो स्टूडेंट्स दिस इज इनफ फॉर टुडे इन नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे थैंक्स हैव हैवे गुड डे